नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह, आपका स्वागत है टेक्निकल स्किल्स क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। तो माइंड में सबसे पहला सवाल आता है कि बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत क्यों होती है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, उस कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो इंस्टॉल्ड होता है। मान लीजिए विंडोज इंस्टॉल्ड है उस कंप्यूटर पे, और किसी कारणवश आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल करप्ट हो जाता है, तो आपको जरूरत होती है कि अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का और फिर से विंडोज को रीइंस्टॉल करने का या रीस्टोर करने के लिए। उस केस में क्या होता है कि आप मार्केट से जाते हैं, सीडी या डीवीडी में आप विंडोज का सॉफ्टवेयर खरीद कर लाते हैं और उससे आप फिर से विंडोज को रीइंस्टॉल कर लेते हैं, अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए विंडोज का सेटअप आपके मित्र के पास है और आप अपने जो पेन ड्राइव आप यूज करते हैं, उस पेन ड्राइव में आप उस सेटअप फाइल को लाते हैं और उससे कोशिश करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का या विंडोज को रीइंस्टॉल करने का या विंडोज को रीस्टोर करने का, तो उससे नहीं होता है। उस केस में आपको पेन ड्राइव को सबसे पहले बूटेबल बनाना पड़ता है। आज मैं इसी चीज को सिखाऊंगा कि हम पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन, थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लिया है कि जिससे जो जनरल स्टूडेंट है या आईटी जो इंटरेस्टेड है, जो बच्चे आईटी बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उनको उनके लिए भी यह जो डॉक्यूमेंटेशन है हेल्पफुल होगा एकेडमिक पढ़ाई के लिए। सो चलिए दोस्तों, हम प्रैक्टिकली करके इसको हम अपने लैपटॉप पे देखते हैं कि हम पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाते हैं। दोस्तों, आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए ये सारे स्टेप को फॉलो करना होगा। कौन कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना है ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप है इंसर्ट आई यूएसबी ड्राइव इनटू अ रनिंग कंप्यूटर। आप जो कंप्यूटर, जो आप कोई भी कंप्यूटर आप है उसको स्टार्ट कर दिए हुए, ओपन कर दिए हुए हैं, अब उसमें आपको पेन ड्राइव लगाना है। दूसरा, आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि एज ए एडमिन करना है। उसके लिए आपको कीबोर्ड से विंडो की प्लस आर बटन को प्रेस करना है, आपको रन कमांड खुलेगा, उसमें सीएमडी टाइप करके एंटर कर देना है। तीसरा है आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट, और टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना है। चौथा प्रोसेस क्या है? चौथा प्रोसेस है कि आपको अगर पता है कि आपका जब पेन ड्राइव आप लगाने के बाद एक डिस्क नंबर आ जाता है, उस डिस्क नंबर आपको अगर पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो आप लिस्ट डिस्क टाइप करके उसके एंटर करेंगे। वहाँ पे जितने भी आपके प्राइमरी जो डिस्क होंगे, आपके कंप्यूटर का जो हार्ड ड्राइव, जो हार्ड डिस्क होता है उसका नंबर, और जो आपने पेन ड्राइव लगाया है उसका नंबर वहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो आपको पेन ड्राइव वाला नंबर सेलेक्ट करना है, जो भी नंबर हो, एक हो, दो हो, या कोई लेटर में दिया हो। पांचवा में क्या करना है, आपको उसके बाद सेलेक्ट डिस्क और नंबर देना है, जैसे एक है, दो है, जीरो है, कौन सा आपका डिस्क नंबर है वहाँ पर आपको टाइप करना है सेलेक्ट डिस्क और जो डिस्क नंबर है वन। सिक्स पॉइंट है टाइप क्लीन, इसको हम कोई भी डाटा अगर पेन ड्राइव में पहले से होगा उसको फॉर्मेट करने के लिए हम टाइप क्लीन लिखते हैं, उसके बाद एंटर मारते हैं, वो फॉर्मेट हो जाता है। सेवन पॉइंट है अब नया एक पार्टीशन उसमें क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो पूरा क्लीन हो गया, तो हम टाइप करते हैं क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, और टाइप करने के बाद एंटर कर देते हैं, ये पार्टीशन हो जाता है। उसके बाद उस पार्टीशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर एट,
सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट पार्टीशन वन क्लिक के एंटर करते हैं, हमारा पार्टीशन हो जाता है क्योंकि प्राइमरी वन होता है, इसलिए हम सेलेक्ट पार्टीशन वन लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब उसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, यानी कि उसमें जो भी अगर कोई भी अगर रिमेनिंग उसमें डेटा होगा, गार्बेज वगैरह कैसे वगैरह कुछ भी हो, उस सबको फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट fs इक्वल टू ntfs क्विक, या हम फॉर्मेट fs इक्वल टू fat32 क्विक, दोनों में से कोई भी जो भी आपका सपोर्ट करता है उसको यूज करके हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्टिव टाइप करके एंटर करते हैं, हमारा जो पेन ड्राइव है एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद हम टाइप एग्जिट लिखते हैं, एग्जिट करने के बाद हम वो पेन ड्राइव हमारा बूटेबल बन गया है। अब हम ये सारे प्रोसेस से बाहर आ जाते हैं, यानी कि लास्ट जो नेक्स्ट है, व्हेन यू फिनिश प्रिपेयरिंग योर कस्टम इमेज सेव इट टू द रूट ऑफ यूएसबी ड्राइव। अब जो भी आपका इंस्टॉलेशन फाइल है विंडोज का, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं या रीस्टोर करने जा रहे हैं, उसका आप यहाँ इस पेन ड्राइव में आप जो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और इस पेन ड्राइव से अब आपका जो भी ओएस आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो बूटेबल बूट हो जाएगा यहाँ से। तो आपका पेन ड्राइव आपका बूटेबल बन चुका है। उसी प्रोसेस को हमने फिर केवल कमांड को हमने लिस्ट कर दिया यहाँ पे कि कौन कौन से कमांड है। अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि हम अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करना है। इसमें लिखना है CMD, सेकेंड पॉइंट CMD है CMD, और जो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम दिखाते हैं जैसे आपका है यहाँ से कंप्यूटर में। अभी हमने पेन ड्राइव को इंसर्ट नहीं किया, हमारे पास डिस्क दिखा रहा है CD, F और G और E। अब हम पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे तो हमारा डिस्क H आ गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं मुझे करना है, हमें क्या जाना है, यहाँ से हम विंडो जो बटन होता है प्लस आर को प्रेस करेंगे, इस रन कमांड में CMD लिखेंगे। CMD लिखने के बाद इसको हमने एंटर करा तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को बड़ा करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, तीसरा स्टेप है, यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्क पार्ट लिखे। हमारा डिस्क पार्ट, यानी कि हम तीसरा स्टेप को फॉलो कर लिए। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट डिस्क करना है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारा पेन ड्राइव का कौन सा डिस्क है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट डिस्क करके एंटर मारेंगे। यहाँ पे देखिए 931 GB, ये डिस्क जीरो है ऑनलाइन, 931 GB दिखा रहा है, यानी कि ये हमारा प्राइमरी है, यानी कि हार्ड डिस्क है। हमारा जो सिस्टम का जो स्पेस है, मेमोरी है, वो दिखा रहा है जीरो। और डिस्क वन है, यानी कि ये दिखा रहा है 7633 MB, यानी कि 8 GB का मेरा पेन ड्राइव है, इसलिए यहाँ इतना MB यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हम डिस्क वन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम टाइप करेंगे सेलेक्ट डिस्क वन और एंटर करेंगे। अब कह रहा है डिस्क वन इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। अब डिस्क वन सिलेक्टेड है, अब इसको हम क्लीन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्लीन करके हम एंटर करेंगे, ये हमारा जो भी है डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, यानी कि जो भी था इसमें डेटा वो क्लीन हो गया, डिलीट हो गया। अब इसको हम पार्टीशन करेंगे, तो लिखेंगे क्रिएट CREATE क्रिएट पार्टीशन PARTITION पार्टीशन प्राइमरी PRIMARY और एंटर करेंगे। डिस्क पार्ट सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन, ये पार्टीशन हो गया। अब उस पार्टीशन को हमें सेलेक्ट कर लेना है, तो सेलेक्ट पार्टीशन अब प्राइमरी है इसलिए वन यहां पे देंगे और एंटर करेंगे। पार्टीशन वन इज नाउ द सेलेक्टेड पार्टीशन।
अब पार्टीशन सेलेक्ट हो गया, अब इसको हम फॉर्मेट कर देंगे। तो फिर लिखेंगे फॉर्मेट फॉर्मेट, उसके बाद fs इक्वल टू, हम ntfs के द्वारा हम फॉर्मेट करते हैं, ntfs और क्विक 0% कंप्लीटेड, हमारा फॉर्मेट हो रहा है। कुछ टाइम लेगा, ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। देखिए 100% कंप्लीटेड, यानी कि थोड़ा टाइम लिया, वो सेकेंड का टाइम लिया, 5-7 सेकेंड का टाइम लिया, वो हमारा फॉर्मेट हो गया। अब लिख रहा है कि डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, अब इसको एक्टिव कर लेना है। तो ACTIV एक्टिव कमांड लेके एंटर मारेंगे। अब डिस्क पार्ट मार द करेंट पार्टीशन एज एक्टिव, करेंट पार्टीशन जो हुआ प्राइमरी वन वो हमारा अब एक्टिव हो गया। अब हमारा जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुका है। अब हम एग्जिट लिखेंगे और यहाँ से एग्जिट कर देंगे, और हम फिर अपने जो होम कमांड प्रॉम्प्ट पे थे यानी सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर आई जी वहाँ पे पहुँच गए, यानी कि हमारा पेन ड्राइव अब बूटेबल बन गया। अब इसमें विंडोज़ का कोई भी इंस्टॉलेशन फाइल रख के हम उस पेन ड्राइव से बूट करा के हम सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अब आप पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाया जाता है ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम हो तो अपने ईमेल आईडी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।